डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक हम सबने सुना हुआ है, लेकिन कैसे पता लगाएं कि हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को उस समय हो रहा है? जैसे कुछ आम सिम्टम्स हैं, दर्शक जानते हैं, हम लोग जानते हैं, पसीना आना, सीने में दर्द होना, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स है जिससे पता लगाया जा सके, और अगर हार्ट अटैक होता है तो उस समय क्या करना चाहिए? बेसिकली ये सभी लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक के अंदर छाती के अंदर दर्द होना, पसीना आना, सांस फूलना, ये अच्छी बात है, एक अवेयरनेस है। बट कुछ एक लक्षण ऐसे भी होते हैं जो एक तरह से साइलेंट हार्ट अटैक भी कहलाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके हार्ट अटैक होता है, वो लोग आते हैं हमारे पास कि हमारे जबड़े में दर्द था, हमारे गर्दन में दर्द था, या हमारे बाएं कंधे में दर्द हो रहा है, कमर के पीछे रास्ते में दर्द हो रहा है, और अगर उन पेशेंट के, या फिर पेट में दर्द, ये बहुत कॉमन होता है। लोग कहते हैं नहीं, हमारे तो पेट में दर्द है, जस्ट ये तो एक गैस्ट्रिक सिम्टम्स है, गैस्ट्राइटिस है, गैस बनी थी, हमने कुछ खाना वाना ऐसा खाया था। बट उन लोगों को जब भी हम आते हैं, एक प्राइमरी सस्पिशन होता है कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख के, उसके बाद हम उनका ईसीजी करते हैं और उस ईसीजी से फर्स्ट डायग्नोसिस हो जाता है कि ये हार्ट अटैक के मरीज है। तो ये जो जैसे आपने बताया कि जबड़े में दर्द या शोल्डर में दर्द या गर्दन में दर्द, तो ये सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए होता है जब हार्ट अटैक आ रहा होता है, कंटिन्यूअसली 4-5 दिन 10 दिन तक रहता है? ये दर्द होता है जब अगर एक्यूट हार्ट अटैक कंडीशंस होती हैं, जिनमें कि अगर कॉरोनरी आर्टरीज में 100% ऑक्लूजन होता है, ऐसे कंडीशंस में जो दर्द होता है वो दर्द कंटिन्यूस चलता है, वो दर्द कभी भी किसी भी पेन किलर, सिंपल पेन किलर से वो सबसाइड नहीं होते हैं। ऐसे पेन किलर्स होते हैं जस्ट वो सॉर्बिट्रेट टैबलेट जो जीभ के नीचे रखने की गोली होती है उसी से कुछ कम हो सकते हैं, बाकी इनका दर्द का कम होने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आके कहता है कि हमारे, मेरे तो कंटिन्यूस दर्द चल रहा है, कल रात से चल रहा है। तो वो जो हार्ट का दर्द होता है वो एक सिंपल पेन किलर से जनरली कम नहीं होता है, या कोई पेंटोसिड या कोई आप एसिडिटी की दवा ले लें, उनसे कभी भी खत्म नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, हार्ट फेलियर भी एक टर्म है जो काफी कॉमन है, हार्ट फेलियर क्या होता है इसके बारे में बताएं? हार्ट फेलियर के लिए एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जनरली लोगों का मानना होता है हार्ट फेलियर, फेलियर वर्ड आते हैं उनको लगता है हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट अरेस्ट हो गया, बट ये बिल्कुल गलत है। हार्ट फेलियर का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट बमुश्किल अपना काम कर पाता है, वो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा लोड उठाना पड़ता है। हार्ट फेलियर जो कंडीशंस होती हैं, या तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण होती हैं, या वेल्व्स की कोई डिजीज के कारण होती हैं, या हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आ जाने के कारण, या मांसपेशियों के वीक हो जाने के कारण, जिससे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है तो वो बमुश्किल अपना जो पूरा आउटपुट है, जो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, इतने आसानी से नहीं कर सकता जितना कि एक आम हार्ट कर पाता है। ऐसी कंडीशंस को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इन पेशेंट्स में पहचानने का बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। जनरली हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, जब भी कोई चलने फिरने में सांस बढ़ता है, हाँफनी बढ़ती है, खांसी आती है, या पैरों में सूजन आ जाती है, तो इसको वो मिसलीड कर जाते हैं सिम्टम्स को। पेशेंट सोचते हैं कि ये तो मेरा खांसी आ रही है, ये तो मेरे को अस्थमा का है। हमारे पास ऐसे कई मरीज आए हैं जो 3-3, 4-4 साल तक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं अस्थमा के चक्कर में, रेस्पिरेटरी डिजीज के चक्कर में, और जब हमारे पास आते हैं, हम उनका इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं या हार्ट की अदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब पता लगता है कि उनका हार्ट तो बड़ा हो चुका है और उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी काफी कम है, और उस समय उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25% रहता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर के, कि अगर आप थोड़ा सा चलें फिरें और उसमें आपको थकान हो जाए, एक सीढ़ी, एक मंजिल की सीढ़ी चढ़ने नहीं चढ़ सके और उसमें आपको सांस फूलने लग जाए, आपको बार बार खांसी आने लग जाए, रात को सीधे नहीं सो सके आप, सोते समय आपको अचानक से नींद से उठना पड़े, जोर जोर से सांस लेनी पड़े, पैरों के अंदर आपके सूजन आ जाए, तो ये एक अर्ली लक्षण होते हैं हार्ट फेलियर के, कि आपका दिल थोड़ा कमजोर हो चुका है और वो उस मात्रा में हार्ट को पंप, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, उसे ये समझ आ जाए कि हार्ट अटैक है, तो फर्स्ट एड के तौर पर अगर फैमिली साथ में, फ्रेंड साथ में, या वो व्यक्ति खुद क्या स्टेप्स ले सकता है अपने आप को फर्स्ट एड देने के लिए? ये बहुत अच्छी बात है कि इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम एक गोल्डन पीरियड जो कहलाता है, कि अगर आप किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, उनकी कॉरोनरी आर्टरीज में डिजीज है, और वो जब तक एक टर्शियरी केयर सेंटर पे या कैथ लैब पे या थ्रोम्बोलिसिस सेंटर पे पहुंचता है, तब तक मैं अगर वो खुद कुछ कर सके तो वो बेटर है, जिससे जितना जल्दी हम उसका इंटरवेंशन करेंगे उतना जल्दी उस पार्ट को, जो डेड पार्ट होने से बचा सकते हैं हम हार्ट को। तो सबसे इजी स्टेप होता है वो है डिस्प्रिन की टैबलेट। एक एस्प्रिन की जो डिस्प्रिन टैबलेट आती है वो डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है। जब भी मरीज को इस तरीके सिम्टम्स आए कि जैसे छाती में दर्द है या उसके कंधे में दर्द हो रहा है, वो हाथ में जा रहा है, बाएं हाथ में जा रहा है, कमर के रास्ते जा रहा है, सांस लेने में परेशानी है, अचानक से पसीने आ गए हैं, ऐसी अवस्था में उनको तुरंत से एक डिस्प्रिन की टैबलेट चबा लेना चाहिए। एक
नाइट्रोग्लिसरिन की टैबलेट आती है जो कि जीभ के नीचे रखी जाती है, सबलिंगुअल टैबलेट होता है जो कि जीभ के रास्ते घुल जाता है, वो अंदर जाके तुरंत ही कोरोनरी आर्टरीज को थोड़ा सा डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, सो दैट उस समय के लिए रक्त का प्रवाह सुचारू हो सके जी। तो ऐसी अवस्था में इन दो टैबलेट्स को ले सकते हैं, जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं या नियरेस्ट आपके जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जिसमें कैथ लैब्स हैं, या फिर ऐसी जगह जो कि आपके नियर बाय हो जहां पर कुछ इलाज संभव हो वहां पर तुरंत पहुंचना चाहिए और एक ईसीजी करवानी चाहिए जी। डॉक्टर साहब 2018 में कुछ नई तकनीकें जो है वो आई है हार्ट की बीमारियों का इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें दर्शकों को। कार्डियोलॉजी का जो डिवीजन है वो एवरलास्टिंग डिवीजन है, इसके अंदर नित नए प्रयोग होते रहते हैं। अभी फिलहाल इवन हमारे जयपुर में भी अब देश का एक पहला सेंटर हो गया है टनल हॉस्पिटल, जहां पर बिना ऑपरेशन के वेल्स को लगाया जाता है। ये बिना चीज पॉसिबल है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल पॉसिबल है, टावी टेक्निक कहलाता है, ये काफी फेमस हो चुका है और अब हमारे इंटरनल हॉस्पिटल में ऑलरेडी 28 केसेस किए जा चुके हैं। इसके अंदर बिना किसी चीरफाड़ के आप केवल एक तार के रास्ते से जाकर ऐसे पेशेंट्स में जो कि काफी एजेड हैं, जिनके अंदर एओर्टिक वॉल एकदम सिकुड़ चुका है, जो जिनके अंदर सर्जरी से उसको बदला नहीं जा सकता, जिसमें सर्जरी करने में इतने रिस्क हैं कि उनकी जान पे बना सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर परक्यूटेनियसली हम जाके और जस्ट एक छोटे से छेद के जरिए, तार के जरिए जाके एंजियोप्लास्टी टेक्निक से जाके उस वाल को चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टावी। ओके, तो ये पेशेंट के लेस पेनफुल हो जाता है? ये बहुत लेस पेनफुल है, तीसरे चौथे दिन पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, किसी तरह कोई कट मार्क्स नहीं रहते, पेशेंट एकदम कंफर्टेबल रहता है जी। और कई नए आयाम हैं जो कि 2018 और आने वाले सालों में जयपुर में भी आएगा, दैट इज फर्स्ट इज रोबोटिक पीसीआई। जैसे कि हमने रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना है, ऐसे ही अब रोबोटिक एंजियोप्लास्टी आने वाली है जिसमें रोबोट के जरिए एक बहुत ही प्रिसाइज मेथड से एंजियोप्लास्टी की जाएगी जो कि एक आम उसमें जस्ट हमारे जैसे जो भी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी होती है उसमें फ्लोरो का काफी ज्यादा यूज होता है, एक्सरे रेडिएशन का काफी ज्यादा एक्सपोजर होता है ऑपरेटर को भी और पेशेंट्स को भी। ऐसी कंडीशन के अंदर रोबोट के जरिए बड़े प्रिसाइज मेथड से एंजियोप्लास्टी की जाएगी जी। एक नई टेक्निक्स है जो कि है मोटापे के बारे में है, समझा जाता है कि मोटापे को कम करना बड़ा मुश्किल वाला काम है, तो इसमें भी कार्डियोलॉजी डिवीजन ने नया काम किया है। मोटापे के लिए जो सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी होती है, जो पेट की एक आर्टरी होती है ब्लड सप्लाई, उसको भी ब्लॉक करके जो कुछ हॉर्मोन्स को सीक्रेट होने से बंद किया जा सकता है और मोटापे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ये एक नया इनोवेशन है जो कि बहुत जल्दी ही मार्केट में आएगा। साथ में जैसे कि जो गुर्दे हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर जो हाइपरटेंशन होता है वो किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे पेशेंट्स में रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन के अंदर हमें वो किडनी से जनित होता है, उन लोगों के अंदर हम रीनल डिनर्वेशन एक नई प्रोसीजर आई है, उसके अंदर जो किडनीज को सप्लाई होने वाली जो नर्व सप्लाईज है उनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से एब्लेट कर देते हैं जिसके कारण के कुछ ऐसे हार्मोन्स नहीं बन पाते जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। ये एक नई टेक्निक आई है जिसे रीनल डिनर्वेशन कहते हैं, तो बहुत जल्दी मार्केट में आएगी और ऐसे कई मरीजों को फायदा होगा जिसमें आइसोलेटेड हाइपरटेंशन के हैं, जिनमें कोई भी या 10-10 दवाइयां लेने के बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं होता। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई। थैंक यू।